हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली है, ये पूरी एक पत्ता गोभी है, मैंने इसे काट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं यूज़ करने के लिए। तो यहाँ मैंने टमाटर लिया है, एक बड़ा टमाटर लिया है, मैंने इसे महीन काट लिया। एक प्याज लिया है बड़ा, मैंने इसे भी महीन काट लिया है। हरा धनिया यूज़ किया है मैंने, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, हम इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैंने जीरा एक चम्मच राई यूज़ की है। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते के 2-4 पत्ते ले लिए हैं। और हम नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ली है। अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई तपने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तब तक हम पत्ता गोभी को धो लेंगे। मैंने 2-3 पानी से हम पत्ता गोभी को धो लेंगे। यहाँ कुछ सूखे मसाले भी हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मसाला पैन लिया है ये। और यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले भी इसमें यूज़ करेंगे। अब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया। अब हम इसमें सबसे पहले राई डालेंगे। राई को हम थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद हम जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा हम सुनहरा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इसमें प्याज ऐड करना है। तो हम इसमें प्याज को ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा चलाना है। प्याज को हम थोड़ा सा सुनहरा रंग आने तक चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर थोड़ा बदल गया है, थोड़ा सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं, इसे हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। टमाटर को अच्छे से मैश करना है हमें इसके अंदर। और टमाटर थोड़े से जल्दी पक जाए इसीलिए हम थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें एक चुटकी नमक यूज़ करना है, इससे टमाटर और प्याज जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर मैश हो गए हैं इसके अंदर। अब हम इसमें सूखे मसाले यूज़ करेंगे। तो सूखे मसालों में सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी यूज़ की है। इसके बाद हम लाल मिर्च यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च यूज़ की है। आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं लाल मिर्च को। इसके बाद 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर मिक्स करना है इस तरह से। इसके बाद हम इसे फिर से हिला लेंगे। आप लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हम इसे कुछ देर, कम से कम 2 मिनट तक इसी तरह से हिला लेंगे। अब मसालों ने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर पत्ता गोभी मैंने धोकर लिया है, इसमें से मैंने जितना हो सके उतना पूरा पानी अलग कर लिया। ज़्यादा पानी हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले, तो मैंने इसमें बहुत सा पानी अलग कर लिया है और इसे सूखा ही रखा है। अब हम इस मसालों में पत्ता गोभी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने धुला हुआ पत्ता गोभी हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने पत्ता गोभी इसमें डाल दिया है। अब हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। हमें नमक पहले भी डाला था, तो इस बार हम थोड़ा कम डालेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसे हिला लिया है। अब हम इसे 5 मिनट ढक कर रखेंगे, उसके बाद हम एक बार फिर से इसे हिला लेंगे। तो ढक के हम रखेंगे इसे 5 मिनट तक, और फ्लेम को हम लो रखेंगे इस तरह से। 5 मिनट के बाद हम इसे फिर से एक बार हिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे खोला है, और ये बहुत ही यम्मी सा इसे कलर आया है, स्ट्रक्चर आया है। हम थोड़ा सा इसे हिला लेंगे फिर से। अब हम फिर से 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। ये थोड़ी सी कच्ची है अभी, और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब फ्रेंड्स, और 5 से 7 मिनट का वक्त बीत गया है, हम इसे खोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल पक गई है। हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, और आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता आप ऑन कैमरा देख रहे हैं तो, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसके बाद हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमने एक सर्विंग बाउल में इस सब्जी को निकाल लिया है, और अब हम थोड़ा सा हरे धनिए के साथ इसे गार्निशिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी सी सब्जी बनी है हमारी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।